नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोस्तों, हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन है उनको इस थ्रू आउट द वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, बिकॉज आपको ये चीज पता है कि इजी क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। अगर हम चैलेंजिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम दूसरों से बेटर रैंक अचीव कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों। तो इसी इंटेंशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। दोस्तों, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो ISI कोलकाता के रिसर्च पेपर से लिया गया। दोस्तों, ISI कोलकाता जो है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है, वो अपने इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। जितने भी मैथमेटिशियंस है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस जो है, वो इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में रिसर्च करने में इंटरेस्ट फील्ड है तो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। आप इस इंस्टीट्यूट से मास्टर्स कर सकते हैं। ISI जो है वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है। तो आप BTech ग्रेजुएट हैं तो आप MTech जो है वो इस ISI इंस्टीट्यूट से MTech एंड PhD जो है वो परस्यू कर सकते हैं। तो हम अपने चैनल पर ISI रिलेटेड वीडियो भी बनाने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें हम ISI का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, मैं वीडियोस के बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा इंपॉर्टेंट कॉलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की दोस्तों। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर पाए। तो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सबसेट S है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो बेसिकली दोस्तों, इसको सबसेट के बारे में नहीं पता, ये एक सेट गिवन है। इस सेट के आप कुछ एलिमेंट्स को अगर सिलेक्ट कर ले, लेट्स से मैं 2, 3, 8 और 9 को सिलेक्ट कर लिया, इसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो ये अपने आप में क्या होगा, एक सबसेट होगा। तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट था दोस्तों। और सेट कुछ नहीं होता दोस्तों, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है। तो ये अनऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है दोस्तों। तो एक कलेक्शन है तो यानी सेट है। तो बेसिकली एक सेट दिया है 2 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं। इस सेट टू बी गुड इफ इट हैज एग्जैक्टली, पहली चीज तो 4 एलिमेंट्स होने चाहिए उस सबसेट में, एंड देयर GCD यानी HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 होना चाहिए। तो ऐसे हमको गुड सबसेट्स आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों, राइट। टोटल नंबर ऑफ गुड सबसेट्स आपको कैलकुलेट करना है। गुड सबसेट के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 4 एलिमेंट होना चाहिए और GCD जो है वो 1 होना चाहिए दोस्तों। अब कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को दोस्तों, तो मैंने एक बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी दोस्तों। मैं 4 एलिमेंट्स ऐसे पिक कर रहा हूँ जो कि चारों इवन नंबर्स हैं। तो लेट्स से आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। तो 4 एलिमेंट्स का सेट है और चारों इवन है दोस्तों। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना, तो जो GCD है ना, HCF बोल दें, GCD बोल दें, वो हमेशा ऐसे में 2 आएगा। आप कोई भी 4 इवन नंबर ले लीजिए, 4, 6, 8, 10 ले लीजिए फॉर एग्जांपल। तो यहाँ भी अगर आप HCF निकालोगे ना, इन चारों नंबर का GCD निकालोगे तो वो भी 2 आएगा दोस्तों। अगर GCD निकालना आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल पे हम बहुत जल्दी HCF LCM चैप्टर लाने वाले हैं, जिसमें आप 5 सेकंड्स के अंदर किन्हीं भी नंबर्स का HCF और LCM कैलकुलेट कर पाएंगे। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पूरी वीडियो सीरीज में हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब भी इवन नंबर्स होंगे ना, तो हमेशा जो GCD है वो 2 आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इन इवन नंबर्स के बीच में लेट से यही सेट ले लिया 2, 3, 6, 8, अगर मैं एक भी ऑड नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ गलती से भी बीच में, तो GCD जो है वो 1 निकल करके आएगा। आप देख लीजिए, इन चारों नंबर का GCD जो है 1 है। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो GCD 2 होगा या GCD 1 होगा। 2 कब होगा, जब सारे नंबर्स इवन होंगे। अगर बीच में एक नंबर भी ऑड आ गया, चारों की बात ही नहीं कर रहा मैं, एक नंबर भी ऑड आ गया, तो GCD जो है वो 1 निकल करके आने वाला है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ, आप जो जितने भी टोटल सबसेट्स हैं वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 एलिमेंट्स वाले सबसेट कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल 2 से लेकर 10 तक 9 एलिमेंट्स हैं दोस्तों। तो 9 में से मैंने कोई भी 4 एलिमेंट को ले लिया और सबसेट बन गया, ये हो गया दोस्तों हमारे टोटल केस। माइनस उनमें से वो वाले केस हटा दे रहे हैं जिनमें सारे नंबर्स जो है वो इवन होंगे, बिकॉज सारे नंबर इवन है तो ही तो GCD 2 आ रहा है, बाकी सभी केसेस में GCD 1 आ रहा है। तो वो केसेस हटा दो जिनमें सारे नंबर जो है वो इवन है। तो टोटल हमारे पास कितने इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो टोटल हमारे पास 5 इवन नंबर्स हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 में से कोई भी 4 इवन नंबर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो एक सबसेट बन जाएगा, है ना, 4 एलिमेंट्स का। तो 5C4 में इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो 9C4 में से अगर मैं 5C4 माइनस कर दे रहा हूँ, तो टोटल केसेस में मैंने वो केसेस माइनस कर दिए
जहां पे चार एलिमेंट्स के इवन सबसेट्स हैं जिनका जीसीडी 2 है। तो अब कितने केसेस बचे, वो केसेस बचे जहां पे चार एलिमेंट्स के सबसेट होंगे और जिनका जीसीडी जो है वो 1 निकल करके आने वाला है। 9c4 की वैल्यू दोस्तों 126 है, 5c4 की वैल्यू 5 है, सबट्रैक्ट करोगे तो 121 जो है वो आंसर निकल करके आने वाला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब यहाँ पर एक और मैं ट्विस्ट अगर मैं बताता, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सेट में ना मेरे पास 2 से लेकर के 10 तक तो नंबर है और साथ में 12 भी होता मेरे पास नंबर, तो ये लॉजिक फेल हो जाता दोस्तों, क्योंकि बिकॉज अगर अब मैं 3, 6, 9 और 12 को ले रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे ऑड और इवन नंबर का मिक्सचर है। तो मैंने बोला था ऑड और इवन नंबर का मिक्सचर होगा तो जीसीडी की वैल्यू 1 आ रही थी पिछले केसेस में, बट क्योंकि यहाँ पे 12 भी आ गया ना, तो अब जीसीडी की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 आने वाली है दोस्तों, राइट। तो एक और केस इन्वॉल्व हो गया जब जीसीडी की वैल्यू 3 भी आ सकती है, तो इस केस को भी हमको हैंडल करना पड़ता अगर 12 होता। लेकिन हमारे क्वेश्चन को ईजी बना करके दिया है उन्होंने, जो वैल्यू है वो अप टिल 10 दी है, तो दो ही पॉसिबिलिटी थी, जीसीडी या तो 2 होगा या तो 1 होगा, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से आप देखिए कितने सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखने में बहुत सिंपल लग रहा है बट ये लॉजिक जनरली लोगों को क्लिक नहीं होता कि इवन नंबर के केस में जीसीडी 2 होगा, ऑड नंबर के केस में जीसीडी 1 होगा दोस्तों, राइट। तो अगर आपको डर लग रहा है इन चैलेंजिंग क्वेश्चन से, घबराने की बात नहीं है, हर वीडियो के एंड में हम आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। ये कॉग्निजेंट में 2 बार आ चुका है 2015 और 17 में, 60 सेकंड्स का टाइम है। क्या बोल रहा है दोस्तों, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अबेकस बी अरेंज्ड such that the vowels always appear together। दोस्तों तो abacus की बात करें, abacus के सारे letters को हमको arrange करना है, vowels को एक साथ करना है, तो a और u जो है ये vowels हैं दोस्तों, b c और s जो है वो consonants हैं। अब मैं चाह रहा हूँ vowel एक साथ आए, तो मैंने a u का जो है एक बंडल बना लिया, तो a u का तो एक हमारे पास बंडल हो गया और b है साथ में, c है और s है, तो टोटल हमारे पास 4 यूनिट्स हो गई। b c s 3 यूनिट है और ये जो है वो अपने आप में 1 यूनिट है, तो टोटल 4 यूनिट्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज ए ए यू को एक साथ चाहिए था तो हमने बंडल बना दिया। अब ए ए यू की आपस के अरेंजमेंट कितने हो गए दोस्तों, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये हम कैसे 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया, बिकॉज ए और ए आपस में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन विद परमिटेशन विद लिमिटेड रिपीटेशन, जहां पर जो है सेम जो है वो रिपीट हो रहा है, लाइक ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो आप पार्ट 3 एंड 4 वाली वीडियो देखोगे तो आपको इसके रिगार्डिंग भी वीडियो मिल जाएगी कि 2 फैक्टोरियल से हमने क्यों डिवाइड किया। तो ये हमारा डी जो ऑप्शन है यहाँ पर अगेन हमारा आंसर आ गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों। तो इसी तरीके से हम और चैलेंजिंग क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं दोस्तों। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारी इस पूरी सीरीज को दोस्तों, पलक महाजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सपोर्ट और लव देने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों आप कमेंट करते रहिए इस वीडियो पे, और जो भी बेस्ट कमेंट होगा दोस्तों, हर वीडियो के एंड में जो भी बेस्ट कमेंट होता है दोस्तों, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, आपके नाम और फोटो के साथ हम अपनी वीडियोस में डिस्प्ले करते हैं। ये हमारा तरीका है आपको अप्रिशिएट करने का, आपके प्यार को अप्रिशिएट करने का दोस्तों। तो कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों, बेस्ट कमेंट को हम डिस्प्ले करेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं दोस्तों। आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, इंस्टाग्राम ग्रुप के थ्रू, इवन आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं दोस्तों। तो हमको फॉलो कर लीजिए सारे प्लेटफॉर्म्स पर, जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भेजते जाइए, मैं पर्सनली आपके डाउट्स एंड क्वेरीज का रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और ये आपके सामने क्विज दिए दोस्तों, क्विजेस सॉल्व करते रहिए, सारी क्विजेस सॉल्व करते रहिए। कंपनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कवर कराए हैं, कंपनीज में 70-80% एज इट इज क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, और ऐसे ही प्यार देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।